झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा दाव चलते हुए कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 964.15 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इससे भूमि विकास बैंक से लोन लेने वाले 34,788 किसानों को लाभ होगा। महाराष्ट्र में कर्ज माफी एक बड़ा सियासी मुद्दा है। राज्य के बजट में बताया गया है कि 275.40 करोड़ रुपए की रकम का उपयोग भूमि विकास बैंक कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए किया जाएगा। भविष्य में सरकारी योजनाओं के लिए भूमि विकास बैंकों की जमीन और भवनों का उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए और भी कई फैसलों की जानकारी दी। अजीत पवार ने कहा कि 6 मार्च 2020 को अपने पहले बजट के भाषण में उन्होंने नियमित रूप से अपना फसली लोन चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इस राशि का वितरण नहीं हो सका था। अजीत पवार ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि किसानों से किया गया वादा आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा हो रहा है। मैं उन किसानों को धन्यवाद और सराहना करता हूं जो नियमित रूप से अपना ऋण चुकाते हैं, उन्हें यह रकम मिलेगी। इस अनुदान से लगभग 20 लाख किसानों का लाभ होगा। इस पर वर्ष 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि 2021-22 के बजट में मैंने 2021 के खरीफ सीजन के किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने की घोषणा की थी। इस योजना के परिणाम स्वरूप फसल ऋण वितरण बढ़कर फरवरी 2022 के अंत तक 41,055 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। वर्ष 2022-23 में 43.12 लाख किसानों को 911 करोड़ रुपए 0% ब्याज पर उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को चेतावनी दी है कि वो फसल बीमा योजना में बदलाव करें, वरना राज्य सरकार इससे बाहर हो सकती है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि गुजरात और कुछ अन्य राज्य पहले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुके हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार प्रधानमंत्री से योजना में संशोधन की मांग की है। अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम किसानों को मुआवजा देने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।